सब्सक्राइब करें के आज फिल्म्स भोजपुरी चैनल को और दबाए इस बेल आइकन को ताकि आप देख सके हमारे लेटेस्ट भोजपुरी गाने सबसे पहले। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। मैं दीपक राज आ रही हूँ और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल के आर फिल्म्स भोजपुरी में। और दोस्तों, आज का यूट्यूब बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि एक भोजपुरी सिंगर है या फिर भोजपुरी एल्बम के डिजाइनर है। तो अगर आप उन दोनों में से कोई है तो ये ट्यूटोरियल को आप प्लीज लास्ट तक देखें, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड और कोर्सेस आप लोगों के लिए मैंने इसमें बताया हुआ है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें मैंने तीन चीज़ें जो है वो फाइनली मैंने पूरा प्रोसेस करके बताया हुआ है। पहला, मैं एक ऑडियो सॉन्ग के लिए डिजाइनिंग जो क्रिएट किया हूँ, यूट्यूब डिजाइनिंग जिसको हम लोग थंबनेल बोलते हैं, तो वो मैं क्रिएट करना इसमें बताया हूँ, जो कि फोटोशॉप से इस तरह से करते हैं। और दूसरा, उसे चीज को किस तरह से हम लोग MP3 में टैग करके उसे एक वीडियो में क्रिएट करते हैं, तो दूसरा प्रोसेस वो है। और तीसरा प्रोसेस, उसे किस तरह से यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ और कौन से टैग यूज करता हूँ भोजपुरी सॉन्ग के लिए, तो वो मैंने तीसरा प्रोसेस बताया हुआ है। तो फाइनली मैंने ऐसे जो भी प्रोसेस है, जो भी भोजपुरी सॉन्ग को रिलीज करने का प्रोसेस है, वो मैंने एक जेड प्रोसेस बताया हुआ है। अगर आप अगर इंटरेस्टेड है तो ये वीडियो लास्ट तक देखें, अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो सब्सक्राइब करके निकल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे राइट साइड में मेरे पास सॉन्ग है और यहाँ पे इसी सॉन्ग है, आपको मैं प्ले करके दिखा दूँ आपको। तो ये आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ मतलब कि ऑडियो है। तो सबसे पहले मुझे इसे वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए मुझे एक कोई डिजाइनिंग होनी चाहिए जो कि मैं इसके ऊपर डाल कर सकूँ। तो यहाँ पे ऑडियो सॉन्ग है और इसके बाद में इस ऑडियो सॉन्ग के लिए मैं यूट्यूब डिजाइनिंग क्रिएट करता हूँ। और ये होली का सॉन्ग जो कि JP मैनेजर जी का सॉन्ग है। और चलिए मैं फोटोशॉप फाइनल ओपन करता हूँ। तो देखिए, जैसे कि मैंने फोटोशॉप ओपन कर लिया हुआ है और ये इस सॉन्ग का जो पोस्टर है वो यही पोस्टर है, बट ये अपलोड हो सकता है यूट्यूब पे, बट ये जो है वो मतलब कि सूटेबल नहीं है यूट्यूब के लिए। तो चलिए मैं यूट्यूब डिजाइनिंग में आता हूँ। तो चलिए मैं एक न्यू पेज लेता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक न्यू पेज ले लिया हुआ है और ये जो इसका जो रिजोल्यूशन है और इसका जो हाइट और विड्थ है वो मैं आपको बता दूँ। ये इसका जो विड्थ है वो आपका 1200 है और इसका हाइट जो है 720 है, रिजोल्यूशन 300 का है। तो सेम यही रेशियो में आप भी अपना डिजाइनिंग जो है आप अपना पेज ले लें, क्योंकि अगर इससे अगर थोड़ा कम या ज़्यादा होता है तो फिर आपका जो यूट्यूब पे जो यूट्यूब वीडियो जो है वहाँ पे आपका जो थंबनेल है वो सूटेबल नहीं हो पाएगा। चलिए, तो फाइनली अब मैं मेरा ये ले लिया हूँ और इस पर अब हम यहाँ से इस पोस्टर पर से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये पोस्टर जो है वो बना लिया हुआ है। अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि ये पोस्टर किस तरह से हम लोग बनाएं, भोजपुरी एल्बम का डिजाइनिंग किस तरह से बनाए, तो मेरा दूसरा वीडियो आप देख सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में पहले से दे दिया हुआ है, या तो फिर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए, तो फाइनली सबसे पहले यहाँ पर जो देख रहे हैं, यहाँ पे जो सिंगर हैं और यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ पे एक्ट्रेस है। तो सबसे मैं पहले बैकग्राउंड क्रिएट करूँगा, तो मैं ये वाला जो बैकग्राउंड है इसे ले लेता हूँ और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। यहाँ पे ले जाकर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, इसे छोटा करता हूँ Ctrl T के साथ। तो इसे मैं फ्लिप करता हूँ, क्योंकि ये जो था ये, तो इसे मैं छोटा करता हूँ और इसे एडजस्ट करता हूँ। Ctrl+ के साथ मैं इसे जूम कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने इनका फ़ोटो जो है ये ला दिया हुआ है और इनका फ़ोटो मैंने लगा दिया हुआ है। और इसके बाद मैं सिंगर जो है JP मैनेजर जी जो है उनका जो फ़ोटो है ये मैं लगा दिया, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। तो चलिए मैंने इसे छोटा कर लिया इसे पहले, और इसे मैं जो एक्सप्रेस है इसका भी फ़ोटो में थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, मैं ज़्यादा ही छोटा कर देता हूँ क्योंकि इसके पीछे एक और बैकग्राउंड मुझे डालनी है। तो चलिए, ये फाइनली एक बैकग्राउंड है और ये फ़ोटो मैंने जो भी फ़ोटो जो बैकग्राउंड के लिए यूज कर रहा हूँ, तो इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। देखिए, और ये जो ऊपर की तरफ आ गया है तो इसे मैं पीछे कर देता हूँ इस डिज़ाइन को। जैसे कि आप देख रहे हैं, Ctrl T के साथ मैं इसे अब ब्लैक करूँगा। चलिए, तो मैंने ये इसे भी कर दिया हुआ है और
इनको ध्रुपी जी को थोड़ा और डांस कर दूँ, क्योंकि काफ़ी क्योंकि सिंगर है तो इनको थोड़ा हाईलाइट रखना रहेगा ही। तो यहाँ पे ये एक्ट्रेस है, भोजपुरी फिल्म की एक्ट्रेस है, इनका नाम है निधि झा, जो कि बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। और इसके बाद में चलिए मैं यहाँ पे जो नेम जो है इस नेम को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। ये मात्र ये डिजाइनिंग बनाने में मुझे मतलब कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये पहले से जो था डिजाइनिंग था ही, तो देख सकते हैं कि आगे एल्बम नेम हो गया। और ये निधि झा को प्रॉपर कर देता हूँ मैं, और उसके बाद में ये सब फाइनली है, और उसके बाद में सिर्फ नाम को भी ड्रैग कर दूँ। चलिए यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ, क्योंकि और नाम का जो है वो कलर मुझे चेंज करना हुआ, क्योंकि जो पीछे का बैकग्राउंड है जिसकी वजह से ये नहीं दिख रहा है, या तो ब्लैक कर देता हूँ या फिर वाइट कर देता हूँ। तो ब्लैक ही काफ़ी बेटर रहेगा, नहीं तो ब्लू भी कर सकता हूँ मैं, सॉरी नहीं दिख पा रहा है येलो भी। चलिए तो मैं ब्लैक ही रख देता हूँ इसे, और इसे ऊपर की तरफ कर देता हूँ। मैं थोड़ा इसे जल्दीबाजी बना रहा हूँ, क्योंकि अगर धीरे धीरे बनाऊंगा तो काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो ये, तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये हो चुका है। और इसके बाद में मैं यहाँ पे इसका लोगो जो है मेरे कंपनी है केयर फिल्म का, वो लोगो मैं अपने डाल दूंगा इस साइड में, लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में जो मेरा जो प्रोडक्शन का नाम है वो मैं डाल दूँगा, या बीच में ही डाल देता हूँ इसे। और जेपी जी को थोड़ा इधर कर देता हूँ, और देखिए और देख रहे हैं। और इसके बाद में बस हो गया, इतना ही ले लेता हूँ मैं, कुछ ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक YouTube जर्नी है और आप कुछ इसमें बेसिक जो भी आप चेंज करना चाहें वो आराम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद में एक मैं यहाँ से ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो नेम जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम कर रही है, क्योंकि स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है नेम। तो चलिए जैसे कि मैंने यहाँ पर कर दिया हुआ है, देखिए अब आपको नेम जो है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए फाइनली ये मेरा 2 मिनट में रेडी हो चुका है डिजाइनिंग यूट्यूब का। अब मैं इसको अब सेव करूंगा, तो सेव कैसे करना है वो मैं आपको मैं बता दूं। तो इसके लिए मैं अपने कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट और एस प्रेस करूंगा, और उसके बाद में इसका जो लोकेशन है वो लोकेशन मैं दे दूंगा, और उसके बाद में यहाँ पे जो फॉर्मेट है जेपीईजी सिलेक्ट करूँगा, और उसके बाद में इसे सेव कर दूँगा। तो चलिए फाइनली ये मेरा सेव हो चुका है, तो मैं इसे निकाल के दिखा दे रहा हूँ एक बार। और ये पूरा जो डिजाइनिंग है फुल HD है, कहीं से भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो चलिए मैं फाइनली ओपन करता हूँ डिजाइनिंग को, और मैंने बहुत सारी डिजाइनिंग कहाँ चला गया भाई, कहाँ लिखा था मैंने, तो चलिए यहाँ पे आ गया। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ, मैं इसे ओपन करके दिखा दूँ आपको, देख रहे हैं आप यहाँ पे ये YouTube डिजाइनिंग जो है एक सूटेबल YouTube डिजाइनिंग है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं अपना एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर ओपन करूँगा, तो चलिए मेरे पास अभी साइबरलिंक पावर डायरेक्टर है, तो मैं इसे यूज करूँगा, और ये इसका इंटरफेस रहा। और इसके बाद में आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप VSDC जो सॉफ्टवेयर आते हैं वीडियो एडिटर के लिए वही यूज करें, क्योंकि वो जो है मतलब कि फ्री है, और मतलब बहुत ही इजी है। और ये साइबरलिंक पावर डायरेक्टर जो है ये थोड़ा मतलब कि डिफ़िकल्ट है डाउनलोड करना या फिर इसे क्रैक करना, और इसका जो प्राइस है वो लगभग 4-5 हज़ार में आता है। ये सॉफ्टवेयर ये फ्री नहीं है, और ये इसे क्रैक करना भी थोड़ा मतलब कि डिफ़िकल्ट है। तो आप कोई भी वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं फाइनली ये मेरा इंट्रो है यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हैं इंट्रो है, तो मैं इंट्रो को पहले पुट करूँगा। तो इंट्रो मेरे पास सॉन्ग जो है ये देखिए, यहाँ पे मेरे पास 3 चीज़ है जो दिखा दी। पहला जो है डिजाइनिंग मैंने क्रिएट कर लिया हुआ है, और दूसरा जो है वो मेरा इंट्रो है, ठीक है, और तीसरा जो है वो मेरा सॉन्ग है। अब इस तीनों को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, तो तीनों को मैं साइबरलिंक पावर डायरेक्टर में जाकर इसका जो मीडिया लाइब्रेरी का जो फाइल है यहाँ पे मैं इसे छोड़ दूँगा, ठीक है। और इसके बाद में सबसे पहले मैं इंट्रो लूँगा और इंट्रो को एडजस्ट करूँगा। तो देखिए टाइमलाइन में इंट्रो आ गया है,
और इंट्रो आ गया, उसके बाद में मैं यहाँ पर जो सॉन्ग जो है ये सॉन्ग मैं पुट करूँगा। तो यहाँ पे सॉन्ग भी मैंने ला दिया और उसके बाद मैं तो यहाँ जो डिजाइनिंग है ये भी मैं ला दिया हूँ। और इसे मैं जिसे कि देख रहे हैं इसे मैं यहाँ से छोटा कर लेता हूँ और इसे लास्ट तक जो है जहाँ तक सॉन्ग है वहाँ तक ले गया। अब देखिए, अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि आप देखते हैं जैसे कि यहाँ पे सॉन्ग हो गया और यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ इसे प्ले करके। ये इंट्रो खत्म होते ही जो सॉन्ग है वो सॉन्ग मेरा आ गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हो चुका है फाइनली। अब इसके बाद में यहाँ पे प्रोड्यूस पे जाकर क्लिक करूँगा और प्रोड्यूस पे जाने के बाद में मैं इसे जो है इसे मैं जो फॉर्मेट में चाहूँ उस फॉर्मेट में मैं कर सकता हूँ। तो मैं तो ज़्यादातर इसी में ABC में ही करता हूँ और इसे इनेबल कर दूँगा। और इनेबल करने के बाद मैं इसका जो लोकेशन है वो मैं डेस्कटॉप में दे दूँगा क्योंकि मैं अपलोड करने के बाद में डिलीट कर देता हूँ। चलिए मैंने इसका लोकेशन भी दे अति दिया हुआ है, इसका मैं स्टार्ट करता हूँ इसके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें प्रोड्यूस होने में लगभग कुछ टाइम लग सकता है। और ये प्रोड्यूस हो जाने के बाद मैं इसे यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। तब तक ये प्रोड्यूस हो रहा है तब तक मैं अपना यूट्यूब खोल देता हूँ। तो जिससे देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का इंटरफेस है और मैंने इस पर पहले से भी बहुत सारे सॉन्ग्स वगैरह डाल रखे हैं जो कि विदाउट कॉपीराइट के हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं एक भी कॉपीराइट सॉन्ग अपने चैनल पे रहने नहीं देता हूं क्योंकि स्ट्राइक वगैरह आ सकती है। इस वजह से मैं जो भी मैंने लगभग कुछ दिन पहले लगभग 400 सॉन्ग को मैंने रिमूव किया था जो कि कॉपीराइट थे। और अभी मैं इस सॉन्ग को अपलोड करूँगा, अगर ये कॉपीराइट अगर होता है तो मैं फिर इसे ही रिमूव कर दूँगा। अगर आप ये सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको इस सॉन्ग का जो लिंक है वो मैं आपको इसी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप ये सॉन्ग डाउनलोड कर सकते हैं और सुन सकते हैं। और प्लीज़ अगर हो सके तो आप लोग शेयर जरूर करें और इस वीडियो पर आप शेयर करते हैं तो बहुत खुशी होगी हमें, और सब्सक्राइब करते हैं तो भी बहुत खुशी होगी क्योंकि जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेगा वैसे वैसे मैं और भी अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए। तो चलिए यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सबसे ऊपर कॉर्नर पे जो है यहाँ पे ये ओपन हो रहा है। तो यहीं से हम लोग सॉन्ग को अपलोड करते हैं। और अगर आपको YouTube पे नहीं आता तो आप सीख सकते हैं, अभी मैं वही प्रोसेसिंग बता रहा हूँ। तो आपको अभी मैंने तीन चीज़ें बता दिया हुआ है, एक तो किस तरह से इसको जो डिज़ाइनिंग है वो किस तरह से बनाते हैं फोटोशॉप में। मैंने फोटोशॉप CC यूज किया था, अगर आपके पास 7.0 है तो वो भी आप आसानी से यूज कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है, बस थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा इधर उधर है कुछ टूल्स वगैरह, तो ये आप मैनेज कर सकते हैं खुद से। और उसके बाद में मैंने डिज़ाइनिंग कंप्लीट किया पहला, और दूसरा उसको मैंने डिज़ाइनिंग को और सॉन्ग को मैंने साइबरलिंक पावर डायरेक्टर में उसे वीडियो में कन्वर्ट किया। तो कन्वर्ट करने के बाद में ये देखिए यहाँ पे प्रोड्यूस ये फाइनली हो चुका है। देखिए यहाँ पे प्रोड्यूस हो चुका है, यहाँ पे राइट का साइन आ गया है। तो मैं यहाँ पे दिखा भी इसका लोकेशन जो था मैंने डेस्कटॉप पे दिया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा प्रोड्यूस होके आ गया है। तो ये आप देख सकते हैं वीडियो में हो चुका है कन्वर्ट, और इसे मैं फाइनली ये वीडियो में कन्वर्ट हो चुका है। और नहीं सर फाइनली अब इसे मेरा दो प्रोसेस हो चुका है और फाइनली जो प्रोसेस है मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। तो कैसे अपलोड करूँगा चलिए वो मैं बता देता हूँ। तो वो मैंने ओपन कर लिया अपने चैनल को और इसके बाद मैं इसे सेलेक्ट करके इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। तो मैंने इसे जाकर फाइनली इसे यहाँ पर ड्रैग करके छोड़ दिया और जो भी एल्बम नेम है तो वो मैं डाल दूँगा। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया ठीक है, और इसका मैं जो कुछ डालना है सुपर हिट होली सॉन्ग
स्टोरी सॉन्ग, और इसमें मैंने सिंगर का नाम यहाँ पे डाल देता हूँ। सिंगर का नाम है जेपी मैनेजर। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया हुआ, और टैग जो है ऑटोमेटिक है, तो मैं यहाँ पे कुछ टैग डाल दे रहा हूँ। भोजपुरी होली सॉन्ग सिंगर जेपी जेपी जैन की, तो मैंने यहाँ पे जो टैक्स वगैरह था वो मैंने डाल दिया हुआ है। और इसके बाद में यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है वो आप डाल सकते हैं, मेरा डिफ़ॉल्ट है वो। मैं डिस्क्रिप्शन में जो है उसको मैं, ये सॉन्ग है तो अगर ये अगर कॉपीराइट नहीं होता है तो मैं इसको इसी पे रहने दूंगा इसी चैनल पे। अगर ये अगर कॉपीराइट हो जाती है तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा और इसको फायर मीडिया पर अपलोड करके इसका जो लिंक है वो मैं इसी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसे दिखा सकते हैं। तो फाइनली मैं अब डिस्क्रिप्शन डालूंगा, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मैंने पहले से ही सेव करके रखा हुआ है वर्ल्ड पैड में, तो मैं इसे वर्ल्ड पैड को ओपन करता हूँ अभी। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे मैंने यहाँ पे जो लिंक दे रखा हुआ है अपना फेसबुक अकाउंट का, और भी अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी मैं इसी डिस्क्रिप्शन में दे रखा हुआ है एक चीज़। तो मैं इसे ब्लॉग वगैरह सब चीज़ है तो मैं इसे कॉपी करूँगा, तो ये मेरा कंट्रोल से इसे कॉपी करूँगा और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे कंट्रोल भी पेस्ट करूँगा। और ये डिस्क्रिप्शन आप सभी इस वीडियो में देख सकते हैं कि मैं किस तरह से क्या क्या इसमें है, तो ये सभी आपके इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। और बस ये भी समझ गए होंगे कि डिस्क्रिप्शन क्या होता है। और यहाँ पे जो मैंने जो सॉन्ग था वो सॉन्ग का टाइटल दे दिया हुआ है, और नीचे वाले में डिस्क्रिप्शन भी दे दिया हुआ है, और सबसे लास्ट वाला में मैंने कुछ टैग दे दिया। तो चलिए यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले जो सबसे ऊपर वाला जो पर्सन पे है ये सॉन्ग जो है, ये सॉन्ग मैंने अभी अपलोड किया था, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे आ गया हुआ है। और बड़ी दुख की बात है कि ये जो है इस पर कॉपीराइट क्लेम आ चुका है, और ये वीडियो जो है कॉपीराइट कंटेंट के अंतर्गत आ गया। तो फिर इस वीडियो से ये इसे जो इसका मोनेटाइजेशन जो है ये इनेबल नहीं हो सकता। आपको मैं और भी वीडियो से दिखा दूँ, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हर एक वीडियो का जो मोनेटाइजेशन है वो मेरा इनेबल है, मतलब कि हर एक वीडियो उस पर मेरा इनकम है और इस पर कोई दिक्कत नहीं है इस सब वीडियो पर। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर कॉपीराइट का क्लेम आ चुका है, जिसकी वजह से इस पर कोई एक्शन नहीं है और इस चैनल पर स्ट्राइक भी आ चुका है। तो चलिए मैं फाइनली अब ये करूँगा कि इस जो ये जो सॉन्ग है, इस सॉन्ग को मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। और आपको ये सॉन्ग सुनना हो तो इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाकर आप सुन सकते हैं। तो चलिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, डिलीट करने यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और फिर मैं एक्शन में जाकर इसे यहाँ पर यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। या फिर दूसरा भी ऑप्शन है, आप इस पर डायरेक्ट यहाँ पर जो एरो का चिन्ह देख रहे हैं यहाँ पर जाकर आप इसे डिलीट पर क्लिक करके डिलीट कर सकते। तो देखिए यहाँ पे यहाँ पर प्रोसेसिंग चल रहा है, तो ये मेरा जो वीडियो अपलोड किया था वो कॉपीराइट होने की वजह से मैंने अभी से डिलीट कर दिया अपने चैनल से। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मैंने आज आपको तीन चीज़ें सिखाई। एक तो किस तरह से हम मतलब कि फोटोशॉप में यूट्यूब का डिजाइनिंग बनाते हैं, और दूसरा मैंने बताया कि किस तरह से उस डिजाइनिंग के साथ एक MP3 ऑडियो को उसको अटैच करके उसे वीडियो बनाते हैं, और फाइनली मैं किस तरह से यूट्यूब पर सॉन्ग को अपलोड किया हूँ। तो ये आपको मैंने तीन प्रोसेस आपको आज के इस ट्यूटोरियल में मैंने बता दिया हुआ है ऑलरेडी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई करने की 100% कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, आई होप ये ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हाँ, मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट करें।